रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव घटा। गलवान घाटी में चीन ने की 2 किलोमीटर पीछे हटाई अपनी सेना। चीन के बदले रुख पर भारत की सकारात्मक प्रतिक्रिया। भारतीय सेना भी 1 किलोमीटर पीछे हटी। 6 जून को चीन और भारत के सेना के अफसर करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी बातचीत। ट्रंप के मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को चीन ने भी किया खारिज। कहा, भारत के साथ विवाद में किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। एक देश एक नाम वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। चीफ जस्टिस की टिप्पणी, संविधान में पहले ही देश का नाम भारत। केंद्र को ज्ञापन देने का सुझाव। 2 अध्यादेशों को कैबिनेट से मिली मंजूरी। एपीएमसी अधिनियम में बदलाव से किसानों को सीधे फसल बेचने का मिला अधिकार। चुनावी साल में बिहार में सियासी हुआ कोरोना। आरजेडी ने टैंकर को हरे रंग से रंगा। लालू राबड़ी और तेजस्वी की लगाई तस्वीरें। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट हुआ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला। नोएडा में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 मापी गई। 1.5 महीने में छठी बार दिल्ली NCR में कांपी धरती। सिस्मिक जोन 4 में आती है दिल्ली। देश में कोरोना का कहर जारी। 2 लाख के पार पहुंचे कोरोना केस। 24 घंटे में बढ़े 8,500 कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 217 लोगों की ली जान। देश में कोरोना से अब तक 5800 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 122 मौतों से हड़कंप। एक दिन में 2500 से ज्यादा संक्रमित मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 74,800 के पार पहुंचा। अब तक 2,587 मरीजों की मौत। मुंबई अब भी बना हुआ है सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट। मरीजों का आंकड़ा 43,400 के पार। अब तक 1,400 से ज्यादा मौत। कोरोना के मामले में 24,500 केस के साथ दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। करीब 200 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में फुल स्पीड में है कोरोना। एक दिन में सामने आए 1500 नए मरीज। 22,000 के पार पहुंचा कुल केस का मामला। राजस्थान के जयपुर में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में कोरोना के 70 मरीज सामने आए। नोएडा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 500 के पार। 24 घंटे में 25 नए मामले। इंदौर में कोरोना के मामले 3,600 के पार। अब तक 145 मरीजों ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 8,800 के पार पहुंचा आंकड़ा। 230 की मौत। यूपी के चिकित्सा मंत्री पर कोरोना संक्रमण का खतरा। मेरठ मेडिकल कॉलेज के जिस वार्ड का दौरा किया था वहां मिले 2 कोरोना मरीज। मेकअप रूम तक पहुंचा कोरोना का खौफ। आगरा में पीपी किट में किया जा रहा है दुल्हन का मेकअप। गाजियाबाद में कूड़े के ढेर में इस्तेमाल पीपी किट मिलने से हड़कंप। CMO ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। गाजियाबाद में कोरोना के 9 नए मरीज। अब तक कुल संक्रमित 353। जिले में 7 मरीजों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।